दोस्तों अगर आप कार्डलेस डिपॉजिट करना चाहते हैं, मतलब आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और आप पैसा डालना चाहते हैं एटीएम में, तो कैसे डाल सकते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको कार्डलेस डिपॉजिट पे क्लिक करना होता है। उसके बाद से दोस्तों आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और गुजराती, जो भी आपका लैंग्वेज समझ में आता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया हूँ। इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 10 अंक का आप जो है कि जो आपके खाता नंबर में मोबाइल नंबर होगा जो है कि दोस्तों वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डालते हैं हम मोबाइल नंबर। दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रेस इफ करेक्ट पे, आपको जो है कि नंबर आपका सही होगा तो करेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, नहीं गलत होगा तो नीचे वाला पे, तो हम करेक्ट वाला पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद से दोस्तों आप करेंट अकाउंट में डालना चाहते हैं या सेविंग में, अगर लोन वगैरह भी डालना चाहते हैं तो इधर आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आप सेविंग अकाउंट में डालना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना होता है, तो अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। दोस्तों अकाउंट नंबर डालने के बाद करेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप करेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है कि नाम होगा आपका बैंक में वो यहाँ पे दोस्तों लिख के चला आएगा। अगर आपका नाम अगर गलत आता है तो आप समझ जाइएगा कि अकाउंट नंबर जो है कि दोस्तों आप गलत डाले हुए हैं। उसके बाद से अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद से जो भी आपके पास पैसा होगा आप जो है कि पैसा को यहाँ पे डाल सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 100, 200 और 500, 2000 का नोट यहाँ पे जो है कि ये जो है कि एटीएम लेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास कुछ पैसा है, यहाँ पे मैं डालता हूँ। तो डालने के लिए आपको जो है कि नोट को सीधा करके उसके बाद से दोस्तों इसमें जो है कि डाल देना होगा, ठीक है। डालने के बाद इंटर पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे कि हमारा जो है कि नोट ख़राब था तो ये नोट जो है कि दोस्तों ये जो है कि एटीएम नहीं लिया, यहाँ पे ओनली 300 रुपये लिया है। आपको बताने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों ये जैसे आप अगर आप डालना चाहते हैं फिर दोबारा से तो एड मोर कैश पे क्लिक करके आप जो है कि फिर से नोट डाल सकते हैं। फिलहाल मेरे को ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा। उसके बाद से अगर आपको मतलब इतने ही पे रहने देना है तो आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना होगा। तो आप जैसे दोस्तों कन्फर्म कीजिएगा तो ये प्रोसेस लेके उसके बाद से आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा जो है कि ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों आपको ये जो है कि रिसिप्ट मिल चुका है 300 रुपये का, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा 300 रुपये जो है कि आपके अकाउंट में जो है कि जमा हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बिना कार्ड के आप अपने अकाउंट में पैसा जो है कि डाल सकते हैं और बिना बैंक जाए आप अपने बैंक में पैसा डाल सकते हैं वो भी एटीएम के थ्रू। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको लोगों को कैसा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी प्रकार का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।